में स्वीटी शाह प्रस्तुत है आपके सामने आज के समाचार। बीएसजी इंडिया के राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रत्येक बुधवार को कौशल विकास पर वेबिनार की राष्ट्रीय स्तर की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। 13वां राष्ट्र साहसिक कार्यक्रम राष्ट्रीय साहसिक संस्थान स्नो व्यू कार्शोंग दार्जिलिंग में आयोजित किया गया। भारत स्काउट एवं गाइड के सदस्यों द्वारा देश भर में की गई 750 मिलियन सूर्य नमस्कार की गतिविधियां। बिहार राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स द्वारा आयोजित वर्चुअल कोविड जागरूकता वेबिनार। पश्चिम बंगाल भारत स्काउट एवं गाइड्स द्वारा आयोजित वर्चुअल क्विज प्रतियोगिता। अरुणाचल प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड्स द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को और आयोजकों की बैठक आयोजित की गई। स्काउट्स एवं गाइड्स ऑफ बीएसजी एनएफ रेलवे ने न्यू जलपाईगुड़ी में यात्रियों के बचाव के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, जहां विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई थी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने 17 जनवरी 2022 को भारत स्काउट एवं गाइड्स के राज्य अधिकारियों के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। डॉक्टर राजकुमार कौशिक, निदेशक भारत स्काउट एवं गाइड्स ने प्लास्टिक हीरो के लिए हीरो लेवल टी शर्ट जारी की। राष्ट्र मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक बुधवार को शाम 4 से 6 बजे तक अपस्किलिंग आवर नेशंस यंग वर्कफोर्स पर वेबिनार की एक राष्ट्र स्तर की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। 6वां वेबिनार 21वीं सदी के कौशल विषय पर आयोजित किया गया था, जहां 12 जनवरी 2022 को रिसोर्स स्पीकर सुश्री नंदिनी सूद, डिजाइन फॉर चेंज इंडिया की CEO और डिजाइन फॉर चेंज भारत की सुश्री साक्षी गाबा द्वारा सत्र दिए गए थे। 13वां राष्ट्र साहसिक कार्यक्रम राष्ट्र साहसिक संस्थान स्नो व्यू कार्शोंग दार्जिलिंग में 10 से 14 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया, जिसमें पूर्वी रेलवे और राजस्थान की 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जिला कटिहार जिला भारत स्काउट एवं गाइड्स ने 14 जनवरी 2022 को जिला मुख्यालय के प्रांगण में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 30 स्काउट्स एवं गाइड्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन स्काउट श्री रोहित कुमार ने किया। दानापुर जिले के स्काउट एवं रोवर्स स्काउट भारत स्काउट एवं गाइड्स ने 15 जनवरी 2022 को राज्य प्रशिक्षण केंद्र दानापुर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मकर संक्रांति के अवसर पर भारत स्काउट एवं गाइड्स और आयुष मंत्रालय बैनर तले पूर्वी क्षेत्र में सूर्य नमस्कार गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। सोनपुर भारत स्काउट एवं गाइड्स के सदस्यों ने 18 जनवरी 2022 को जमुई बिहार के युवा सांसद माननीय श्री चिराग पासवान से उसके आवास कृष्णापुरी पटना में मुलाकात की और लंबे समय लंबित रेलवे स्काउट गाइड और सांस्कृतिक को फिर से शुरू करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द रेल मंत्री से बात कर कोटा भर्ती युवाओं को का संज्ञान लेते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगर रेल मंत्री मेरे पत्र पर स्काउट गाइड कोटे के तहत भर्ती दोबारा शुरू नहीं करेंगे तो मैं इस सवाल को लोकसभा के में जोरदार तरीके से उठाऊंगा। पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिला संघ की युवा समिति भारत स्काउट एवं गाइड्स ने वस्तुतः गूगल मीट के माध्यम से युवा दिवस मनाया। उन्होंने इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया। बीएसजी अरुणाचल प्रदेश ने 12 और 13 जनवरी 2022 को एसटीसी पोलो कॉलोनी नाहरलागुन अरुणाचल प्रदेश में जिला स्तरीय प्रशिक्षकों और आयोजकों की बैठक आयोजित की। श्री अलनेन्द्र शर्मा, साहसिक निदेशक उत्तर पूर्व क्षेत्र, ने भी बैठक में भाग लिया और राज्य में स्काउटिंग और गाइडिंग के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस
पटरी से उतर गई और न्यू जलपाईगुड़ी न्यू कूच बिहार में डोमोहोनी और न्यू मैनागुड़ी सेक्शन के बीच एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई। एनएफ का डबल लाइन विद्युतीकृत खंड रेलवे अलीपुरद्वार बंडल जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हो गए। राज्य मुख्यालय एनएफ रेलवे की सलाह के अनुसार स्काउट्स एवं गाइड्स ने यात्रियों के बचाव के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी जिला एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड्स ने रोवर्स और यूनिट लीडर्स सहित एक राहत दल को स्थानांतरित कर दिया। डोमोहोनी 13 जनवरी 2022 को उन्होंने साइट पर सूचना दी और रेलवे अधिकारियों के निर्देश के अनुसार तुरंत काम करना शुरू कर दिया। दुर्घटना स्थल पर बीएसजी के सदस्य एनएफ रेलवे ने पानी की बोतलें खाद्य सामग्री प्रदान की और ऑक्सीजन सिलेंडर वाहनों की पार्किंग घोषणाओं और अधिक कई अन्य चीजों को ले जाने में मदद की। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद की। बीएसजी के स्काउट्स एवं गाइड्स एनएफ रेलवे राज्य ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 12 जनवरी 2022 को राष्ट्र युवा दिवस मनाया। बदरपुर जिला एसोसिएशन ऑफ बीएसजी एनएफ रेलवे ने रामकृष्ण मिशन बदरपुर में नुक्कड़ नाटक किया। श्री उत्तम कुमार दास जिला सचिव सहित संस्था के कुल 30 सदस्य उपस्थित थे। न्यू जलपाईगुड़ी जिले ने 12 जनवरी 2022 को राष्ट्र युवा दिवस के रूप में स्काउट हट में रोवर्स और अन्य लोगों के साथ ऑनलाइन मंच के माध्यम से दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस मनाया। उत्सव की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण और स्वामी विवेकानंद पर भाषण के साथ हुई। ऑनलाइन नारा लेखन प्रतियोगिता और लोगों को मास्क वितरण का भी आयोजन किया गया। भारत स्काउट एवं गाइड्स एनएफ रेलवे बदरपुर जिला संघ ने 15 जनवरी 2022 को जंगली कालीबाड़ी बदरपुर में पौष पर्व मेला में अपनी सेवाएं प्रदान की। इस सेवा कार्यक्रम में 3 यूनिट लीडर्स के साथ 30 रोवर्स और रेंजर्स ने भाग लिया। भारत स्काउट एवं गाइड्स एनएफ रेलवे बदरपुर जिला संघ के सदस्यों ने 17 जनवरी 2022 को नेत्रश्री बदरपुर द्वारा आयोजित लेफ्टिनेंट नयनदास स्मृति सभा के संबंध में रेलवे संस्थान बदरपुर में अपनी सेवाएं प्रदान की। एक यूनिट लीडर के साथ 15 रोवर्स ने सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। An innovative idea. 750 million Syrian Amiskar as a part of celebration under Azadi Ka Amrit Mahotsav. Started from 16th of January 2022 every Sunday at morning 8 o'clock. Become a part of this program. 13 जनवरी 2022 को बैकुंठ एकादशी उत्सव के अवसर पर आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले के रोवर्स भारत स्काउट एवं गाइड्स ने देवुनी कडप्पा मंदिर में अपनी सेवाएं प्रदान की। कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारत स्काउट एवं गाइड्स ने 15 जनवरी 2022 को स्काउट्स एवं गाइड्स के लिए रिसेप्शन ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए चौथे चरण की आभासी बैठक आयोजित की जिसमें 100 छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने 17 जनवरी 2022 को एसओसीएस और गाइड और दक्षिणी क्षेत्र के राज्य अधिकारियों के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में वर्चुअल बैठक आयोजित की। स्वामी विवेकानंद राष्ट्र युवा दिवस की जयंती 12 जनवरी 2022 को भारत स्काउट एवं गाइड्स जिला कार्यालय कोरबा और रायपुर में मनाई गई। यूनिसेफ और भारत स्काउट एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के संयुक्त कार्यक्रम के तहत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर में 10 से 12 जनवरी 2022 तक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभिन्न विद्यालयों के 50 स्काउट गाइड एवं यूनिट लीडरों ने को उनके अधिकारों और शोषण का प्रशिक्षण दिया गया। देवास जिला एसोसिएशन ऑफ भारत स्काउट एवं गाइड्स मध्य प्रदेश ने 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया। 14 जनवरी 2022 को 11 एनडीआरएफ बनारस और एसडीआरएफ मुरैना की टीम ने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरैना में भूकंप के कारण घर में फंसे लोगों को निकालने और आग लगने की घटनाओं पर मॉक ड्रिल की जिसमें भारत स्काउट एवं गाइड्स जिला एसोसिएशन मुरैना के रोवर्स ने भाग लिया। भारत स्काउट एवं गाइड्स दादरा नगर हवेली के स्काउट एवं गाइड्स ने 18 जनवरी 2022 को जिला एवं पंचायत स्तर पर स्वच्छता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स जिला मुख्यालय अलवर राजस्थान में 12 जनवरी 2022 को युवा दिवस कार्यक्रम और कोविड जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय सीकर ने विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतिभागियों के साथ 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्र युवा दिवस के रूप में मनाया। भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्र मुख्यालय ने पीएसजी डिजिटल स्मार्ट जनरेशन सह स्मार्ट 2.0 स्टेट मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग और आयोजन का 5 से 10 जनवरी 2022 तक 5 से 7 बजे ISD से किया। An innovative idea. 750 million Suryan Amaskar as a part of celebration under Azadi Ka Amrit Mahotsav. Started from 16th of January 2022 every Sunday at morning 8 o'clock. Become a part of this program. आध्यात्मिक नेता महान भारतीय आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के जन्म समारोह को चिन्हित करने के लिए भारत स्काउट एवं गाइड्स जिला उधमपुर ने 12 जनवरी 2022 को हैप्पी मॉडल फाउंडेशन कैंपस में आयोजित एक प्रभावशाली समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि दी। अतास के एक अभियान के तहत पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड जिला गोरखपुर के सदस्यों ने 18 जनवरी 2022 को घर घर जाकर इस्तेमाल किए गए ऊनी कपड़ों को एकत्र किया और जरूरतमंद लोगों को वितरित किया। राष्ट्र युवा दिवस के अवसर पर उत्तर पूर्व रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ लखनऊ ने 12 जनवरी 2022 को ऑनलाइन स्लोगन पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। उत्तर रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड्स ने बरेली रेलवे स्टेशन पर मास्क वितरण अभियान का आयोजन किया। यात्रियों, रिक्शा चालकों, भिखारियों और बिना मास्क के घूमने वालों को मास्क बांटे गए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, साबुन के हाथ धोने आदि के बारे में भी जागरूकता पैदा की। हरियाणा राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स जिला पलवल ने 12 जनवरी 2022 को प्लास्टिक खतरा जागरूकता रैली का आयोजन किया। An innovative idea. 750 million Suryan Amaskar as a part of celebration under Azadi Ka Amrit Mahotsav. Started from 16th of January 2022 every Sunday at morning 8 o'clock. Become a part of this program. COVID khabre. कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पहले चरण में लगातार तीसरे दिन भारत स्काउट एवं गाइड्स द्वारा दानापुर रेलवे परिसर के में एक जन जागरूकता अभियान, सख्त मास्क चेकिंग और मास्क वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व मध्य रेलवे दानापुर मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर और जिला आयुक्त स्काउट और वरिष्ठ सह वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री सुरजीत सिंह की देखरेख में भारत स्काउट एवं गाइड्स आजाद ग्रुप भोजडी के रोवर्स और यूनिट लीडर्स ने 13 जनवरी 2022 को भोजडी में कोविड टीकाकरण शिविर में सेवाएं प्रदान की। बिहार राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स जहानाबाद की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए 14 जनवरी 2022 को श्री हरिशंकर कुमार जिला संगठन आयुक्त ने 15 से 18 वर्ष और उनसे अधिक आयु के सभी स्काउट्स और गाइड्स को टीकाकरण और प्रेरित करने की सलाह दी। दूसरों को ऐसा करने के लिए साथ ही संदेश को सार्वजनिक रूप से फैलाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग ना करें, जो सभी इंसानों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स रोवर्स और रेंजर्स भारत स्काउट एवं गाइड जिला सीकर ने 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति उत्सव के अवसर पर पतंग संदेशों को के माध्यम से कोविड 19 जागरूकता का संदेश दिया। चैंपियंस के लिए खुशखबरी, एक पीली टी शर्ट आपका इंतजार कर रही है। श्री राजकुमार कौशिक निदेशक भारत स्काउट एवं गाइड्स ने श्रीमती दर्शना पावस्कर संयुक्त निदेशक कार्यक्रम और प्रशिक्षण और अभरवी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक स्काउट कार्यक्रम और प्रशिक्षक की भव्य उपस्थिति में प्लास्टिक हीरो के लिए एक टी शर्ट जारी की। श्री राजकुमार कौशिक ने सक्रिय भागीदारी के लिए बीएसजी के सदस्यों को आमंत्रित किया है। प्रिय स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी और हमारे मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर खंडेलवाल जी की तरफ से आप सब लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं, और साथ ही मैं राष्ट्रीय मुख्यालय की तरफ से सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स और यूनिट लीडर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कोविड पीरियड के अंदर भी, इस महामारी के अंदर भी प्लास्टिक टाइट टर्नर के ऊपर इतना अच्छा काम किया और हजारों की संख्या में चैंपियन लेवल जो है हमारे तैयार हुए। अब इसी
चीज को और आगे बढ़ाते हुए हीरो लेवल के लिए हमने एक स्पेशल टी शर्ट रिलीज किया है, जो कि प्रथम 50 जो भी बच्चे हीरो लेवल कंप्लीट करेंगे उनको एज ए गिफ्ट, एज ए अवार्ड जो है उनको वो दी जाएगी। तो ये केवल मोटिवेशन के लिए है, आपके उत्साहवर्धन के लिए है, तो अच्छे से काम कीजिए ताकि समाज की सेवा कर सकें और देश की सेवा कर सकें, और देश की इस स्वच्छता अभियान के अंदर हम जो है अपना सहयोग कर सकें। धन्यवाद। एज अ चेंज मेकर आई प्रॉमिस टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक इन माई डेली लाइफ, मोटिवेट मोर पीपल अराउंड मी टू यूज लेस प्लास्टिक एंड 0% प्लास्टिक इन देयर लाइफ, एंड टू मेक इंडिया अ प्लास्टिक फ्री नेशन बाई 2025। 12 जनवरी को हमने सब ने यह प्रतिज्ञा ली कि हम प्लास्टिक को इंडिया से 2025 तक भगा देंगे, 2025 तक इंडिया में प्लास्टिक का नामो निशान नहीं रहेगा और हम प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे। और इसी प्रतिज्ञा के साथ हमारे बहुत सारे एडवोकेसी चैंपियंस ने एडवोकेसी टूल किट बनाया है, और एडवोकेसी टूल किट के जरिए ही आप अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज गतिविधियां अपने ग्रास रूट में अपने यूनिट के साथ करेंगे। इन गतिविधियों के बाद आपको यह पीला टी शर्ट, जो चैंपियंस का टी शर्ट है जो हमने आज रिलीज किया, मैं चाहती हूँ कि जितने मैंने ऑर्डर किए हैं टी शर्ट्स उससे ज़्यादा हमारे बच्चे हीरो लेवल कंप्लीट करें, ताकि मैं ये टी शर्ट्स वापस ऑर्डर करूँ और बहुत सारे बच्चों के पास में ये टी शर्ट पहुँचे। इसी शुभकामनाएं का साथ और आशा के साथ मैं करती हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे पैडलेट का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर यह प्रतिज्ञा लेकर अपना यूनिफॉर्म के साथ में फ़ोटो या फिर अपनी वीडियो वहाँ पर अपलोड करेंगे और गवर्नमेंट को बता देंगे प्लास्टिक हमें नहीं चाहिए और प्लास्टिक बहुत ही जल्द उसे बंद कर देना चाहिए। थैंक यू। आगामी कार्यक्रम 24 से 28 फरवरी 2022 तक एसटीसी अंबाला हरियाणा में आयोजित होने वाले अंबाला हरियाणा में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर का स्थान अब NYC गतपुरी में बदल दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए देखें NHQ परिपत्र संख्या 18/2022 दिनांक 20/1/2022। 9 फरवरी 2022 से सतत विकास लक्ष्यों SDG पर वेबिनार, अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 12/1/2022 देखें। राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के में कार्यक्रम में 6 जनवरी 2022 से सार्वजनिक व्यवहार पर भौतिक रूप से विचार नहीं किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 5/2022 दिनांक 5/5/2021 देखें। 23वें अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम में पंजीकरण की समय सीमा 25 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 4/2022 दिनांक 5/1/2022 देखें। लीडर ट्रेनर्स के लिए APR कोर्स, अधिक जानकारी के लिए NHQ सर्कुलर नंबर 186/2021 दिनांक 28/12/2021 देखें। भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय 23 जनवरी 2022 को उड़ीसा में BSG डिजिटल स्मार्ट जनरेशन सब स्मार्ट 2.0 क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। 23 जनवरी 2022 कन्नड़ में, 30 जनवरी 2022 बंगाली में, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक, और लिंक सभी के लिए खुला है। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 185/2021 दिनांक 28/12/2021 देखें। एशिया पैसिफिक रीजन मैसेंजर्स ऑफ पीस हीरोज अवार्ड 2021 नामांकन, अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 170/2021 दिनांक 9/12/2021 देखें। 2023 में कोरिया में आयोजित होने वाले 25वें विश्व स्काउट जम्बूरी के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 167/2021 दिनांक 6/12/2021 देखें। राष्ट्रीय एकता शिविर आजादी का अमृत महोत्सव हरियाणा, स्थान तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि, NYC गतपुरी पलवल हरियाणा 19 से 23 फरवरी 2022, आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022। BSG पुरस्कार 2021 के दूसरे उत्कृष्ट स्काउट एवं गाइड, अधिक जानकारी के लिए NHQ परिपत्र संख्या 156/2021 दिनांक 23/11/2021 देखें।
एशिया पैसिफिक लीडरशिप अवार्ड 2023 यूनिट लीडर्स डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमिश्नर सर्विस टू गर्ल गाइड एवं गर्ल स्काउट्स गाइड विंग के लिए अधिक जानकारी के लिए एनएचके सर्कुलर नंबर 145/2021 दिनांक 28/10/2021 देखें।